हुकम सिंह जी जी, ग्रीन हाउस के फल और सब्जियां देख के ना तो मजा आ गया। बस महावीर जी की मेहनत का कमाल है चौधरी साहब। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सब संभव कैसे हुआ? ये ग्रीन हाउस की खेती का कमाल है चौधरी साहब। पहले किसान जो है मौसम का मिजाज जानने के लिए आसमान की तरफ देखता रहता, यही थी किसान की जिंदगी। और अब क्या, अब तो ग्रीन हाउस खेती में हम पूरे साल घिया, तोरी, खीरा, ककड़ी, मिर्च, टमाटर सब कुछ उगा सकते हैं। अच्छा हाँ, और उसका बाजार में भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। अब आप तो देख रहे हैं ये जो हमारा ग्रीन हाउस है सारा कैसे ढका हुआ है चारों तरफ से, उससे किसी भी तरह का कीट पतंगे किसी भी बीमारी का भी कोई असर नहीं होता। पोली हाउस में अपने हिसाब से नमी, गर्मी, सर्दी इस सब को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, हर आवश्यकता अगर सही अनुपात में पूरी हो तो फल तो अपने आप ही अच्छा मिलता है। लेकिन हुकुम सिंह जी, इस सब के लिए खर्चा तो बहुत आता होगा। ज्यादा नहीं चौधरी साहब, इसके लिए तो सरकार से 65% का सब्सिडी भी मिलता है। उसके लिए हमको अपने बागवानी विभाग में जाकर संपर्क करना होता है। हुकुम सिंह जी, आपने पॉली हाउस के बारे में मुझे इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए मैं आपको हौद दिखा देता हूँ। हाँ चलिए भी दिखाइए।